लड़ रहे हैं ये सोचकर मतदाता वोट करें। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 200 सीटों पर नहीं लड़ सकता। कांग्रेस का सिंबल ये लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वोटिंग के दिन भी ये जो गहलोत बनाम पायलट विवाद है वो फिर सतह पर आ गया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता लड़ रहे हैं सभी जगह, कार्यकर्ता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री जी का फेस है। तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है जो काम किए हैं उसका नतीजा जो गारंटी है उस पर जनता की गारंटी लगेगी? सातों गारंटी मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी दे रहे हैं गलत के बारे में? वो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं उनको खुद बौखला भरी बातें हैं उनकी, उनको खुद लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया। सर इतने कॉन्फिडेंट क्योंकि जो रिवाज रहा है तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा? लोग जो है वो रिवाज बिल्कुल रिवाज बदल रहा है तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं। कितना फर्क है हर बार जो कर देखा 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पे आ गए थे, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे। इस बार लगता है कहां नंबर कहां हो गया? इनका मेजोरिटी होगी। सर लाल डायरी पे कई मनगढ़ंत कहानी आई है, आपने क्या इनका मनगढ़ंत कहानियों का मैं कोई जवाब नहीं। वैभव जी ये बताइए एक बेटे के तौर पे क्या आप चाहेंगे कि बहुमत फिर से मिला तो चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान पार्टी विधायक करता है। तो आप पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेटे के तौर पे पार्टी का नेता ही खड़ा है ना भैया। लेकिन हम लोग तो अशोक गहलोत के बेटे से बात कर रहे हैं, हाईकमान विधायक तय करते हैं। सचिन पायलट जिस तरह लग रहा है कमी है, अगर पूरा देखा जाए तो वो जो कोशिश की गई थी दिखाने के लिए कि सचिन और गहलोत एक साथ खड़े हैं, हम सब एक।